नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा। इस समय मौजूद हैं जुलाना में सदानंद चौक के पास, जो पाकिस्तान से भारत पाक बंटवारे के समय भारत आए थे और उनको चांदी गांव में मकान अलाट हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया और भारत से पाकिस्तान से जब भारत आए आते वक्त उन्होंने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया, उनसे जानेंगे। जी नमस्कार जी। हाँ जी। तो अंकल जी, आप पाकिस्तान से भारत आए, जब भारत पाक का बंटवारा हुआ तो आपके साथ क्या क्या घटना घटी और आपको कैसा लगा जब भारत पाक का बंटवारा हुआ तो आपकी जान कैसे, क्या सोच रहे थे कि हम सुरक्षित भारत में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बारे पर आपका अनुभव क्या है? देखो जी, मैं उस टाइम तीसरी क्लास में पढ़ता था जी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब मैं तीसरी क्लास में था उस टाइम अचानक ही हमें पता लगा कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान दो बन गए हैं। दो बन गए, इससे पहले पता नहीं था। पहले पता नहीं था कि होने वाला है जी। तो हम जब अपने गांव में थे, एकदम सुबह का टाइम था, तो हमारे गांव में बहुत से आदमी मतलब लाठी डंडों से मतलब सड़कों पे घूम रहे थे जी। तो उस टाइम जो है हमारे मतलब है वहाँ के रहने वालों ने उनको कहा कि भाई ये हमारे गांव में हैं, आप इनको कुछ नहीं कह सकते, आप यहाँ से चले जाओ जी। तो हमारे गांव वालों ने उनको निकाल दिया। तो आपके आपका गांव कौन सा था? वो गांव हमारा गांव था 497। हाँ, नई आबादी में था। नहीं मतलब पहले हम रहा करते दरिया के किनारे। कौन से दरिया किनारे रहते थे? इसका पता नहीं, उस दरिया मतलब जो पांच दरिया बहते हैं वहाँ पाकिस्तान में जो जाते हैं, रावी है या ब्यास है, ये मुझे पता नहीं कौन से दरिया किनारे। हमारे बड्डे बताया करते हम दरिया के किनारे रहा करते, वहीं खेती करते। फिर हमें ज़मीन अलाट हो गई गवर्नमेंट ने नई आबादी में, एक मुरबा ज़मीन 25 किले ज़मीन मेरे दादा को दे दी और हमारा दादा का भाई था बड़ा उसको भी 25 किले दे दी। वहाँ जंगल था, जंगल काट के हमारे माँ हमारे दादा बाप ने बनाया। जब हम संभले तो हम गांव में थे, अच्छे मकानों में थे और ठीक ही गांव में थे। मतलब जब हम तीसरी में पढ़े, जब हमें होश था, उससे के पहले जो है हम पता नहीं के धक्के खाए, ये पता नहीं कहाँ से। तो आप ये बताइए अंकल जी, जैसे भारत पाक का बंटवारा का आपको पता चला जो क्या क्या घटनाएं घटी? घटना ये है कि अचानक मतलब हमला होने लग गए, मुसलमान जो कहने लग गए पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, और मतलब ये हिंदू जो है मतलब ये हिंदू उधर जाएंगे लाहौर से परे अमृतसर की इधर हिंदुस्तान है वहाँ जाएंगे, ये यहाँ नहीं रहेंगे। तो बाहर के लोगों ने आगे हमला करा हमारे गांव पे। तो वहाँ के हमारे वहाँ के लोगों ने जो है वहाँ दो तीन जातियाँ थी, एक दिराज बिडवाल और कुरेशी जी। कुरेशी जाति के मतलब लोग थे जो अच्छे हमारे काफ़ी सालों से मतलब माँ बाप के साथ रह रहे थे, उन्होंने उन सब को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद दूसरे दिन हमारे घर में आए, कहने लगे बाहर के लोग जो है हमारे ऊपर दाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम इनको मारो, जब इधर उधर हिंदुओं को मारा जा रहा है तुम इनको क्यों रख रहे हो, तो आप जो है मुसलमान बन जाओ और अपना बच जाओगे, नहीं तो भाई हमारे ऊपर बहुत दाब है। सुबह शाम दूसरे गाँव के लोग आते हैं। ये तीन चार दिन हमारे साथ घटना घटती रही। हमारे घर रोज ही मतलब दो चार आदमी अपने गांव के आ जाते मिलनसार और यही बात चलाते, भाई तुम मुसलमान हो जाओ, तुम सलाह कर लो, 15-20 घर थे हम, तुम सलाह कर लो मुसलमान बन जाओ तो ठीक रहोगे, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए तुम्हारे लिए। तो हमारे घर के उन्हें मतलब है बड़ों ने सारी बात मान ली और हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हो गए। हमको मस्जिद भी ले गए, वहाँ पे वहाँ जो मौलवी था उसने हाथ खड़े करवाए, कहने लगा कि हम हिंदू जो है ना मुसलमान बनना चाहते हैं, अपनी इच्छा से मुसलमान बन रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये है वो है। और
इनको जो है खुदा अल्लाह ताला दूसरा मतलब जो है दे मज़हब दे दो, मतलब है ये उन्होंने हमें मुसलमान बना दिया। मुसलमान बनाने के बाद हमारे लिए रोटी का प्रबंध कर दिया, भाई आज जो है ना तुम हमारे मेहमान हो, अब हमारे भाई हो, हम तुम्हें दावत देते हैं, रोटी आज का दिन हमारे दोपहर की रोटी जो है ना हमारे यहाँ बैठ के मस्जिद में खाना जी। उन्होंने मस्जिद में वहाँ चावल चुवल बना दिए, उसमें मीट मूट भी डाल दिया और जितने आदमी थे बैठे थे सबको खिला दिया और कहा ये कलमा पढ़ लो, तूफ़ान कल्ला हम दिवा बेका या हिला हिल्ला मम्मद रसूल हिल्ला, भाई भगवान जो है खुदा जो है एक ही है, मम्मद रसूल एक अल्लाह, एक कलमा पढ़िया करो, नमाज पढ़िया करो। उन्होंने सारा हम एक महीना तक जो है ना मुसलमान बन के रह गए जी, एक महीना पूरा महीना मुसलमान बन के रहे, इधर उधर की खबरें भी आती रही हैं, बीच में ये भी हो गया 10-15-20 दिन के बाद पंचायतें बनी, उन्होंने कहा ये जो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल के हिंदुस्तान आज़ाद कराया है, अब इनका क्या कसूर है मुसलमानों का या हिंदुओं का, वहाँ हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को काटने लग रहे हैं या हिंदुओं को काटने लग रहे हैं, ये गलत बात है। ये लीडरों ने आपस में समझौता करके मतलब फिर मीटिंग करी और गांव-गांव में घूम गए, कहने लगे हिंदू मुस्लिम एक है, भाई भाई हैं, इनको मत सताओ मत कुछ कहो, ये है वो है। फिर लीडरों ने जो है आपस में ये बंटवारा मतलब ये तय किया कि यहाँ के हिंदू उधर चले जाएं और उधर के मुसलमान इधर आ जाएं। ये ज़्यादा काम जो हुआ है ना सिर्फ पंजाब प्रांत में हुआ है, पंजाब जो था पांच आब में ना पानी, पांच दरियाओं का देश, पांच वो जो पंजाब था ना ज्यादा दंगे फसाद और मतलब बंटवारा इसी का ही। अच्छा। रियासतें आज़ाद हो गई, वहाँ रियासतों ने अपना काबू पा लिया, इसके ऊपर किसी का काबू नहीं रहा पंजाब के ऊपर, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं रही, गवर्नमेंट की कोई दाब नहीं रही। जिस तरह लोग शरारती लोग थे, लूटन मार के मार काट करने चलते गए और करते रहे, जैसा आपने बताया कि जो हिंदू बहुमूल्य गांव थे पाकिस्तान में, तो वहां से सभी हिंदू निकल आए और हिंदू वहीं पर रहे, मतलब पंजाब से तो तकरीबन आ गए हिंदू, थोड़े हिंदू बहुमूल्यों भी वाले गाँव में जो हिंदू थे वो भी नहीं बच पाए, ना वो भी नहीं बच पाए, जो जहाँ हिंदू ज्यादा थे ना वहाँ पे दंगे फसाद ज्यादा हुए, ज्यादा हुए, उन्होंने मुकाबला कराया ना मुसलमानों का, मुकाबले में 5-4 दिन के बाद 10-8 दिन के बाद हार गए, क्योंकि वहाँ से बाहर से तो असला आया नहीं, जो उनके पास था वो खत्म हो गया, तो वहाँ पे दंगे फसाद मार काट लूट पाट ज़्यादा हुए। जो गाँव में 10-10, 5-5, 20-20 घर रह रहे थे ना उनके ऊपर इतना मतलब जुल्म नहीं हुआ जितना शहरों के ऊपर हुआ। शहरों में क्या क्या जुल्म हुए थे हिंदुओं? शहरों के ऊपर ये जुल्म हुए तो वहाँ जाके मतलब मारने काटने लग गए और लूटने लग गए और लड़कियों को साथ मतलब ले के जाने लग गए वहाँ पे, तो जो लड़कियाँ थी महिलाएं थी उनको उठा के ले जाने लगे, उनको मतलब जवान लड़कियाँ महिला थे उनको साथ मिला के ले जाने लगे, वहाँ जुल्म ज्यादा हुए हैं। और कोई दर्दनाक हादसा उस समय जो हुआ वो आपको याद हो? ना हमारे सामने तो ये दर्दनाक हमारी बुआ रहा करते थे शोरकोट में, तहसील थी शोरकोट जंग जिले की, तो वहाँ पे मार काट हुई ना, हमारा फुफ्फे को तो मार दिया, मेरी बुआ का वो और उसकी दो लड़कियों को साथ ले गए। अच्छा। वो कोई हमारे नज़दीक के गांव के रहने वाले थे, वो ले गए थे। जब उन्होंने जब वहाँ जाके बताया ना कि हम फलाने की लड़की हैं ये है वो है, तो वो हमारे घर पहुँचा गए थे, वो घर छोड़ गए, हमारे घर छोड़ गए। और हमारे पड़ोस में एक घर रहता वो दूसरे शहर में चले गए थे, तीन आदमी, दो एक बहू जवान और एक लड़की जवान, और वो लड़का भी वो भाई यहाँ थोड़े आदमी हैं वहाँ बच जाएंगे, बल्कि हमारे गांव में तो कुछ होया नहीं, हम मुसलमान बन गए। तो जो वहाँ से वो आए थे ना वो उनकी दोनों वो बहन भी और उसकी मतलब भाभी भी
दोनों मार के आया वो लड़का, उसने बताया कि हमने खुद मारा है उनको। अच्छा, खुद इन दोनों ने अपने परिवार वालों को काटा था, महिलाओं को? हाँ, खुद लड़की को भी और अपनी बड़ी भाभी को भी उसने खुद काटा। अच्छा, जो आपकी बुआ थी जो वो आपके साथ फिर हिंदुस्तान आई? हाँ, हिंदुस्तान आई वो बुआ भी और आपकी बुआ की लड़की भी। लड़की भी वो हिंदुस्तान आ गए। वो हिंदुस्तान आ गए मतलब। तो वहाँ पर कौन कौन सी जातियों के हिंदू लोग रहा करते थे उस समय? जाती है तो एक ये ज्यादा तो यही कहते हैं अरोड़ा खत्री जी, ये कौम है जरा, उसकी जातियाँ चुग गए, सिंधवाणी है मतलब, ये कपूर हैं, कई जातियाँ तो सैकड़े आगे उनकी मतलब कास्टें हैं मतलब अलग 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 सभी की एक मतलब। ये ज़्यादातर तो कास्ट करते थे और ज़्यादा दुकानदारी, दो ही मतलब हमने तो देखे है। तो जब भी आप जो तीसरी क्लास तक की पढ़ाई आपने पाकिस्तान में की थी, उसके बाद हिंदुस्तान आए, चांदी गांव में आए, हरियाणा के चांदी गांव में, तो आगे की पढ़ाई कैसे पूरी की आपने? देखो, हम वहां से आए थे कुलक्षेत्र, कुलक्षेत्र में साल डेढ़ साल भर रहे होंगे, 10-12 महीने, उसके बाद हमें कहा तो रोहतक जाओ भाई मतलब, फिर ट्रकों द्वारा रेल द्वारा रोहतक ले आके या गांधी कैंप में छोड़ दिया। यहाँ साल 6-6 महीने के बाद फिर हमें तहसीलदार ने मतलब ज़मीन कहा तुम चांदी गांव में चले जाओ, अपना 200 रुपये दिए और 20 किलो आटा दे दिया, ट्रक पे बैठा दे, चांदी गांव में जाके छोड़ दिया। वहाँ कहा जौन सा घर पसंद हो उसी में रहो, घर तो कोई था ही नहीं, सब टूटे फूटे थे, जिनके ऊपर लकड़ी लकड़ी नहीं थी, चार दीवारी थी। हम तो एक मस्जिद में, चांदी गांव में मस्जिद है, हम तो 3-4 घर जो थे ना वो मस्जिद के बीच में जो कोठे बने हुए थे ना, एक एक कोठे में रहने लग गए। 4-5 दिन के बाद मतलब पटवारी ने हमें ज़मीन दिखा दी, हम वहाँ जाने लग गए अपनी ज़मीन में, और 20 रुपये का एक बल्द ले लिया, एक हलूल मांग लिया अपना। उसके बाद आपने खेती से अपना जीवन निर्वाह किया? खेती से ही अपना जीवन निर्वाह किया। 2-3 साल के बाद हमने पढ़ाई शुरू करी मैंने। अच्छा, 2-3 साल तो बस यही धक्के खाते रहे। कहाँ तक पढ़ाई की फिर आपने? मैंने मैट्रिक करी मतलब यहाँ रोहतक से। रोहतक से मैट्रिक करने के बाद आपका फिर? मैट्रिक करने के बाद मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस लगा, सर्वेलेंस वर्कर, ये मलेरिया का हिसाब किताब चल रहा था, गांवों में मलेरिया बहुत फैल रहा था, दवाई छिड़की जा रही थी और घर घर जाके मलेरिया की स्लाइडें बढ़ाना और उनको क्लोरोक्वीन देना, हर घर में जाना 15 दिन में एक घर में टूर, 2-3 गांव हमें दे दिए गए, ये ग्रोड़ अजय ब्रायन तित्रीखेड़ा, ये 3-4 गांव थे मेरे पास, मैं इनमें जाया करता रोज़ अपना 200 घर 150 घर रोज़ के घूमने पड़ते, और अपना 35 साल हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने व्यतीत करे। 35 साल के बाद रिटायर होया और अपना जुलाने में ही बस गए फिर। अब जुलाने में बस गया, चांदी गांव से अब जुलाने में ही बस गए आके, अब चांदी गांव में भी हमारे जुलाना में रहते। तो आपके वहाँ पर जो पाकिस्तान में उस गांव में रहते थे आप, तो उस गांव में कोई आपके धार्मिक स्थल हुआ करते थे? वहाँ पे हमारा अपना धार्मिक स्थल था, गुरुद्वारा का आकर दे, कच्चा सा कोठा था, उसमें हमने ग्रंथ साहिब धर रखा था, जो गुरुमुखी में था वहाँ पढ़ते थे, अपना जो भाई था वहाँ पढ़िया करता और हम मत्था टेक के अपना छोड़ के अपना घर आ जाया करते। वहाँ हमारा अपना मतलब वो गुरुद्वारा जो था, ज़्यादातर पाकिस्तान में मंदिर जो है शहरों में थे, गामों गुमों में गुरुद्वारे थे छोटे मोटे, बड़े शहरों में भी गुरुद्वारे थे, क्योंकि पंजाब प्रांत था ना जब महाराजा रंजीत सिंह के राज के टाइम का मतलब हिसाब किताब, वहाँ सिखों का ज़्यादा ही दबदबाव था, मतलब पंजाब के अंदर ऐसी बात नहीं थी। ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने में जो है। तो आपके उस समय यार दोस्त भी हुआ करते होंगे जो मुस्लिम परिवार के सदस्य हुआ करते, किसी का नाम याद है आपको? नाम तो याद है पर कोई मतलब उनके साथ संपर्क, क्योंकि हम छोटे थे, तीसरी जमात में पढ़ाया करते और इतना कोई मतलब मेरे साथ मतलब ने कहे चिट्ठी पत्रा ये वगैरह नहीं, ये तो नहीं किए। नाम भी होंगे उनके? हाँ, नाम तो उनके हैं, जैसे शेर शाह हैं, शेर शाह के, और उनके मतलब खुदा बख्श अल्लाह बख्श
कबड्डी और एक आदमी आगे भागता, दो आदमी उसको पकड़ते, कबड्डी है। अच्छा, कभी रोला राला है उनके लिए, मुसलमान है लड़के के लिए आपका? ना, यो तो रोला राला छोटा मोटा हो जाता है, कोई ऐसी बात कर देनी वही बदला। ना ना, कोई ऐसी बात नहीं, सर सर कोई नहीं फूटे, सर सर नहीं फूटे, मतलब रोला हो जाता आपस में। हाँ, वो तो बोले भाई अपना खेला में तो थोड़ा बहुत हो जाए, वैसे कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, मतलब मिल बट करा, मिल बट के शादियां ब्याह में खाना पीना। अगर हमारे त्योहार होता दिवाली है, हम दिवाली मनाते, अपने जलेबी उनके घर दे आते जाके, उनकी ईद होती तो वो हमारे घर चावल चुवल दे जाते, मतलब कच्चे दे जाते, ले भाई बना लियो, ये है वो, बना लियो खा लियो, मतलब हमारा तो खाओ नहीं, मतलब मुसलमान मीट खाते हैं जैसे, वो अपना कह देते ये अपना बना लो खा लो जो कुछ खा लो, मतलब प्रेम भाव से। हाँ, प्रेम भाव ऐसी बात नहीं, ये तो एक दुर्घटना थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, ये एक दुर्घटना, ये शरारती तत्वों ने बना दिया पहले, इसमें कोई झगड़ा नहीं। प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। हाँ, पहले प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, ये तो एक बहुत ही दुखद घटना थी कि मतलब वाह बल्ला मचा के धर्म के ऊपर मार काट शुरू कर दी। ये जो शरारती लोग हैं, लूटन मारन के मारे, मतलब इन्होंने शरारत बजाई। इस दौरान लोगों ने मदद भी की, कईयों ने रोकया भी सही, लूट मार कर दिया को उनको भी रोकया, और कईयों ने बचाव भी करे, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं होया जो मतलब होया वहाँ दंगे फसाद बार काट, ये मतलब सब अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये देखिए, अब वो हर कोई दुख बनाता है उस बात को। जब हम कैंप में थे वहाँ, तो हमारे कैंप में भी वो आटा उटा लेके गुड़ शक्कर लेके आया करते, 5-7 दिन के बाद दे जाते। जैसे अब पाकिस्तान में गामा से उठा के कैंप में वहाँ लगा दिया, तो सिलचोर कोट में जंग जिले में कैंप लगा दिया, कई दिन कैंपा में पड़े रहे, वही लोग मतलब जो है देते राशन, गवर्नमेंट भी देती, वो तो एक छटाक रोज का देती थी, लेकिन इतना पूरा नहीं होता था। वो गांव वाले आके मतलब यार दोस्ती आके दे जाया करते थे भाई। ये देखिए भाई, इन्होंने बताया जो हादसा इनके नज़रों के सामने घटा, उस समय इनकी उम्र लगभग 9-10 साल की हुआ करती थी, और ये भारत में आए, भारत में आके इन्होंने अपनी दोबारा 3 साल के बाद पढ़ाई चालू की, और पढ़ाई चालू करने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी की, और उस नौकरी के बाद अब जुलाना में रह रहे हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया जुलाना से।